गुड मॉर्निंग बेटा, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी 10th क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दिस इज माय थर्ड वीडियो एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इससे पहले की दो वीडियोस में मैं ऊपर का बता चुकी हूँ, अब तीसरी वीडियो में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बता रही हूँ। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो यूज करती हैं मेटल्स और मिनरल्स को एज रॉ मटेरियल, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाता है। क्या आप मान सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, और आयरन एंड स्टील है इंडस्ट्री, ये आपको मालूम है, ये बैकबोन है सभी इंडस्ट्रीज की। हैवी मीडियम लाइट डिपेंड ऑन इट ऑन देयर मशीनरी। कहते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये बेसिक इंडस्ट्री है, सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, वो अपनी मशीनरी के लिए डिपेंड करती हैं। इस पर स्टील इज नीडेड टू मैनुफैक्चर ए वराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड। स्टील जो है ये चाहिए होता है इंजीनियरिंग गुड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स के लिए आपको स्टील चाहिए होता है। आयरन से ही बेटा स्टील बनता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। आयरन एंड स्टील इज ए हैवी इंडस्ट्री, इसको हैवी इंडस्ट्री में माना जाता है। बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की। कहते हैं जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो भी भारी होता है, हैवी होता है, और जब ये बन के तैयार हो जाता है कोई भी चीज़ लोहे की तो वो भी हैवी होती है, हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती है इनकी। तो टूडे आगे कहाँ गया, इसमें कुछ एक पॉइंट्स नहीं है आपके में, तो मैं यहाँ से वैसे ही पढ़ रही हूँ। टुडे विद 95.6 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स थर्ड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। इंडिया का रैंक जो है वो थर्ड है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पंज आयरन का। इन स्पाइट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील, पर कैपिटा कंजम्पशन पर एनम इज ओनली 63 किलोग्राम। आगे है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील। प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लांट इंडस्ट्री तक रॉ मटेरियल ले जाना, फिर आयरन और इज मेल्टेड, जो आयरन और निकलता है ब्लास्ट फर्नेंस में जाता है। ब्लास्ट फर्नेंस बोलते हैं भट्टियों को। फिर ये कहाँ जाता है? झोंकदार भट्टी में। ब्लास्ट बोलते हैं झोंकदार भट्टी में। लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज बर्न टू हीट एंड ओर। क्या स्लैग किसको बोलते हैं बेटा? जो धातु में से, मेटल में से मैल निकलता है, कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये झोंकदार भट्टियों में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? पिग आयरन। पिग आयरन बोलते हैं ढलवा लोहा। तो मॉल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स, यानी कि सांचों में डाला जाता है इस पिघले हुए लोहे को शेप देने के लिए। फिर आ गया शेपिंग मेटल, आकार देना। शेपिंग मेटल का मतलब है मेटल को आकार देना। रोलिंग करते हैं, उसकी प्रेसिंग करते हैं। कास्टिंग कहते हैं ढलाई को, एंड फोर्जिंग कहते हैं गलाई को, गलाना उसको। तो ये सब होता है मेटल को शेप देने के लिए। आगे है स्टील मेकिंग। पिग आयरन जो होता है, ढलवा लोहा जो होता है, इज फर्दर प्योरिफाइड बाय द मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज। मैगनीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड। इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है? इम्प्योरिटीज जो होती हैं इसमें, ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए मैगनीज, निकल, क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अगले पेज पे आपका ये मैप है। मैप भी किस चीज़ का? आयरन एंड स्टील प्लांट का है आपका ये मैप। ये देखिए, इसके में आयरन और स्टील प्लांट का नाम आ जाता है। विजयनगर, भरो, या कर्नाटका में कौन कौन सा स्टील प्लांट है? भद्रावती है। भद्रावती इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। भद्रावती, सलेम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भद्रावती तो हर साल ही आया होता है भरने के लिए। विशाखापट्टनम में भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, और
ये क्या है, बमपुर, बर्नपुर, बमपुर बोल देते हैं इसको, दुर्गापुर, ठीक है, ये हैं इसके सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लांट्स। उसके बाद आप देखिए, इसमें इंडेक्स फिर नहीं बना हुआ, एक इंडेक्स गायब है। चलो ये बता रही हूँ अब आपको, प्रेजेंटली देयर आर 10 प्राइमरी इंटेग्रेटेड एंड मैनी मिनी स्टील प्लांट्स इन इंडिया। क्या इसमें लिखा नहीं है बेटा, मैं अपने पास से ही आपको बता रही हूँ कि 10 जो हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में हैं, 10 प्राइमरी इंटेग्रेटेड स्टील प्लांट है हमारे पास। प्राइमरी इंटेग्रेटेड के बोलते हैं कि भाई बड़े और कई सारे छोटे स्टील प्लांट्स भी हैं हमारे पास। तो एन इंटेग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, जिसको इंटेग्रेटेड का नाम दिया जाता है वो लार्ज स्टील प्लांट होता है। हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कम्प्लेक्स, एक ही कम्प्लेक्स में सारी चीज़ें होती हैं, फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग, शेपिंग, सब कुछ वहीं होती है। ये पढ़ा रही हूँ। अच्छा आगे है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल बोलते हैं, वाइल टिस्को मार्केट्स इज प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ इन द नेम ऑफ टाटा स्टील। वो टाटा स्टील के नाम से है टिस्को, ये सेल जो है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उसके बाद आप आ जाइए, ये बेटा है नहीं है वैसे आपके सिलेबस में, 74-75 पेज दोनों ही नहीं है आप में, और 76 पेज भी नहीं है, 74 और 75 पेजेस तो नहीं है आप में, 76 पेज से पढ़ाऊंगी। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग भी नहीं है, नहीं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग नहीं है, केमिकल इंडस्ट्रीज भी नहीं है इसमें आपकी सिलेबस में, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी नहीं है, ये पहले ही कटे हुए थे, अभी देख लेंगे ये कटे हैं या नहीं हैं, आप देख लेंगे बाद में, लेकिन मैं इसको लेसन को पूरा ही पढ़ाऊंगी, पूरी ही वीडियो बनाऊंगी इसकी। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग ये छोड़ देते हैं बेटा, हम इसको छोड़ रही हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाएगी, ये रही आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से पहले फर्टिलाइजर भी नहीं है आपके सिलेबस में। उसके बाद है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये है आपका मैप, सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क से पहले वाला पेज पे है ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये पढ़ना है आपको, इसमें ही आएंगी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री भी नहीं है, ये रही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स, ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। कहते हैं ये सब मोटर गाड़ी उद्योग जो है ये सब भारत में ही है, बनता है। इसकी लास्ट लाइन देखो, द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, बेंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है आपके सामने, बेंगलोर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है हमारी। वैसे तो हम कहते हैं भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन सी है, वो बेंगलोर है। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, कहते हैं ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन तक यहीं बनते हैं। टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। बेंगलुरु हैज एमर्ज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु को यही बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। और मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन हमारी कहाँ है, बेंगलुरु में, नोएडा में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में, यहाँ है। और उसके बाद आ गई हमारी
इसमें इंडस्ट्रीज में हमारी बेटा कितनी वुमेन एम्प्लॉयड हैं, वुमेन का जो रेशो है हमारी इंडस्ट्री में ये 30% वुमेन जो हैं ये एम्प्लॉयड हैं हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज में। और अप टू 31 मार्च 2005 का ये डाटा है मैं जो आपको बता रही हूँ कि आईटी इंडस्ट्री एम्प्लॉयड ओवर 1 मिलियन पर्संस एंड इसमें 30% वुमेन हैं। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऑल दो इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड वाटर एयर नॉइस एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 types ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो आपको पता चला कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे करता है। 4 तरह का पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज से होता है। धुआं निकलता है तो वो एयर पॉल्यूशन में आ जाता है, डंपिंग वेस्ट निकलता है जो इसको डंप करते हो या वैसे ही बहता रहता है रिवर्स वगैरह में, उसको वाटर पॉल्यूशन बोल देते हैं। लैंड के अंदर जाता है वेस्ट केमिकल तो उसको लैंड पोल्यूशन बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ की इतनी आवाज़ आती है मशीनें चलने की उसको नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। यही आप आगे डिटेल में लिखेंगे। पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलती हैं तो इसके साथ साथ जो हैं लिक्विड सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के पार्टिकल्स एयर बॉर्न होते हैं जैसे डस्ट है, स्प्रे है, मिस्ट है, स्मोक है, ये सब निकलते हैं और ये जो हैं पोल्यूशन करने वाली गैसेस हैं। तो स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल, स्मोक जो है एमिट होता है केमिकल से एंड पेपर फैक्ट्रीज से, ब्रिक क्लेन्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स। टॉक्सिक गैस जो हैं ये लीकेज करती हैं जब, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं इसके। भोपाल गैस ट्रेजिडी आपको याद होगी कि कितना पॉल्यूशन फैला था और ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, बिल्डिंग्स पे और एटमोसफेयर पे इसका कितना भयानक असर गया था। वाटर पॉल्यूशन क्या है? इज कॉज्ड बाई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स। कहते हैं वाटर पोल्यूशन वो होता है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है अगर वो सीधा ही रिवर्स में छोड़ दिया जाता है तो रिवर्स भी पोल्यूट हो जाती हैं और रिवर्स के अंदर रहने वाले जीव भी मर जाते हैं। तो मेन कल्प्रेट्स इन दिस रिकार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरिंग्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज जो है ना ये सारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं रिवर्स में जो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं एफ्लुएंट्स उनके लिए। उसके बाद है आपकी थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं तापीय यानी कि गर्म पानी को ठंडा किए बिना ही नदियों में छोड़ दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन। उससे क्या होता है बेटा, गर्म गर्म पानी जब नदी में गिरता है तो नदियों की एक्वेटिक लाइफ जो है जो वहाँ जीव रहते हैं वो बड़े प्रभावित होते हैं, मर जाते हैं उससे, अंदर ही मर के वो वाटर में पोल्यूशन कर देते हैं जिससे कि आगे क्या होता है जो कैंसर्स की बीमारियां होती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं, मिसकैरेजेस आ जाते हैं, ये इस तरह की बीमारियां आगे लग जाती हैं। तो सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोज रिलेटेड। सॉयल और वाटर पोल्यूशन जो दोनों हैं ये बड़े क्लोज रिलेटेड है। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, साल्ट और गार्बेज रेंडर्स द सॉयल यूजलेस। ये सारी चीज़ें शीशा दबा दो अगर, केमिकल जमीन में छोड़ दो, गार्बेज हो वो छोड़ दो तो सॉइल को ये यूजलेस बना देते हैं। रेन वाटर परकोलेट्स टू द सॉयल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड। कहते जब बारिश आती है तो ये जो मिट्टी है जितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको बारिश का पानी ग्राउंड के अंदर तक ले जाता है और ग्राउंड वाटर जो है वो भी कंटेमिनेटेड मींस गंदा हो जाता है। उसके बाद है आपका नॉइस पोल्यूशन। नॉइस कहते हैं शोर। तो कहते हैं नॉइस जो है बेटा इसका रिजल्ट क्या है, इरिटेशन और एंगर होता है नॉइस पोल्यूशन से पैदा।
इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, कहते हैं सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे इंक्रीज्ड हार्ट रेट, कहते हैं हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है एमंग अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। और भी कई सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। तो अनवांटेड साउंड जो भी होगी इज एन इरिटेंट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जो अनवांटेड साउंड होती है वो इरिटेंट भी होती है और सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी पैदा करती है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइस। ड्रिल चलती है जब मकान में तो कितनी नॉइस होती है, जनरेटर चलता है तो, मशीनें चलती हैं तो कितनी नॉइस होती है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो है आपका मैप है सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क नोएडा, इसमें बड़ा फेमस है, नोएडा आ जाता है भरना, गांधीनगर भी आ जाता है भरना। तो ये आप पढ़ लेंगे, आपको मैप में करवा दिया मैंने ये। अब है आपके कि हाउ कैन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, कहते हैं फ्रेश वाटर में का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे रिड्यूस किया जाए। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रीसाइक्लिंग इट इन टू और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, कहते हैं रीसाइक्लिंग होनी चाहिए, रीयूजिंग एंड रीसाइक्लिंग होनी करने से दो या दो से ज़्यादा सक्सेसिव स्टेजेस पर आप वाटर का मिनिमाइज यूज कर सकते हो। मिनिमम यूज ऑफ वाटर, उसके बाद है आपका यानी कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग जल का दो या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर्स, कहते हैं गर्म गर्म पानी रिवर्स में नहीं छोड़ना चाहिए, उससे पहले उन्हें ट्रीट करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, रिवर्स एंड पॉन्ड्स में नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन थ्री फेसेस, कहते हैं ये थ्री फेसेस में होता है। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट विद बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। टर्टियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, इसमें तीनों आ गए। सेकेंडरी में सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, टर्टियरी में बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व रीसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ये रीसाइक्लिंग भी करते हैं वेस्ट वाटर की। उसके बाद बेटा यहाँ से इसकी प्रिकॉशंस हैं, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।